नमस्कार, स्वागत है आप सबका। यह है बीबीसी दुनिया और मैं हूं शिवानी कोहक। भारतीय सेना ने कहा, नियंत्रण रेखा के उस पार सर्जिकल स्ट्राइक में ध्वस्त किए चरमपंथी ठिकाने। पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की बात मानी लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक से किया इनकार। अमरीका के न्यूजर्सी राज्य में यात्रियों से भरी ट्रेन स्टेशन से जा भिड़ी, 3 की मौत की खबरें, 100 से अधिक लोग घायल। हाथी दांत की तस्करी की वजह से खतरे में अफ्रीका के हाथी, कीनिया में हाथियों के अनाथालय में बढ़ रहे हैं हाथी। बच्चों में टीबी के इलाज के लिए नई दवा, केन्या में की गई दवाई की पहल। और आखिर में मुलाकात 80 साल की एक ग्रेफिटी आर्टिस्ट से। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। गुरुवार को भारतीय सेना ने एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चरमपंथी ठिकाने नष्ट करने और उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इन दावों का खंडन किया है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत की ओर से फायरिंग में उनके 2 सैनिक मारे गए हैं लेकिन उसने किसी सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार किया है। कश्मीर की इन्हीं चोटियों में है भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा। भारतीय सेना ने कहा है कि उसने कल रात लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार चरमपंथी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं। पाकिस्तान ने भारत के इन दावों का जवाब कुछ यूं दिया। हिंदुस्तान की तरफ से स्मॉल वेपन फायर हुआ 5 सेक्टर्स में, जिसमें लीपा भी था, भिम्बर भी था और 3 और लोकेशंस के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पर उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं और 9 फौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने उनका भरपूर जवाब दिया और उसी कैलिबर में जवाब दिया जिस कैलिबर में वहाँ से फायर आया था। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो ये डर भी रहता है कि कहीं जंग न छिड़ जाए, लेकिन पाकिस्तानी सियासतदान भी मानते हैं कि ऐसा शायद ना हो। वॉर हो नहीं सकती क्योंकि ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। वॉर जो होगी वो ट्रेडिशनल आर्म वॉर तो होगी नहीं। दोनों मुल्क जो हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं और उसके लिए तो फिर मेरे ख्याल तबाही के अलावा और कुछ नहीं, और उसकी लपेट में तो बहुत सारा हिस्सा आ जाएगा। ताज़ा घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुई इस कार्रवाई के बारे में पाकिस्तान की जनता की किस तरह की प्रतिक्रिया है और क्यों भारत इसे सर्जिकल स्ट्राइक कह रहा है जबकि पाकिस्तान इसे बस गोलीबारी तक सीमित रख रहा है, इन मुद्दों पर मैंने न्यूज रूम से और जानकारी ली। पाकिस्तान में सारी खबर को किस तरह से देखा जा रहा है इस बारे में बात करते हैं हमारे सहयोगी बीबीसी उर्दू सेवा के जावेद सुमरू से। जावेद, ये बताएं कि दोनों देश इसे अलग अलग शब्दों में बयान कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, दोनों देश अपने अपने लोगों के लिए या उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं और एक वजह यह है कि भारत में जो नेता हैं, जो हुकूमत है, उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था उड़ी हमले के बाद कि कुछ ना कुछ रद्दअमल होना चाहिए, कोई रिएक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान इसको रद्द इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार कभी नहीं होगा कि भारत से फौज उसके दाखिला हो गई है उसके इलाके में और वो इस तरह की कार्रवाई कर सकती। तो पाकिस्तान की मीडिया और आम जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है? मीडिया ने जब से ये वाकया हुआ है तब से इतना शोर मचाना शुरू किया है कि ये जैसे कोई हम जंग की तरफ जा रहे हैं और इससे एक मामला ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है जो एक ज़्यादा खराबी का सबब बन सकता है। लेकिन ज़्यादातर तजियाकार यही समझते हैं कि दोनों देशों में हालात कशीदा होंगे, टेंस होंगे, लेकिन जंग की सूरत हाल शायद ना बन पाए। और अब डिजिटल दुनिया की हलचल। अमेरिका में न्यूजर्सी के होबोकन शहर में एक रेल स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस दुर्घटना में अब तक 3 लोगों के मरने और 100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। दुर्घटना स्थल पर अब भी कई लोग फंसे हुए हैं। आपातकालीन राहत कर्मी ट्रेन में फंसे यात्रियों को निकालकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस ने 9/11 बिल पर उनके वीटो को खारिज कर एक गलती की है। इस विधेयक के तहत 11 सितंबर हमलों के पीड़ित परिवारों को सऊदी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने का अधिकार मिल सकता है। ये पहला मौका है जब राष्ट्रपति ओबामा के 8 वर्षों के शासनकाल में उनके वीटो को कांग्रेस ने दरकिनार किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया है कि सूडान की सरकार लोगों पर केमिकल हथियार इस्तेमाल कर रही है। संस्था का कहना है कि जनवरी से लेकर अब तक दारफूर में 200 बच्चों की मौत प्रतिबंधित हथियारों से हुई है। प्रभावित लोग खून की उल्टी, सांस लेने में दिक्कत और त्वचा के गिरने के लक्षण दिखाते हैं, लेकिन सूडान की सरकार इन आरोपों को बेबुनियाद बताती है।
हाथियों की घटती संख्या से चिंतित कार्यकर्ता दुनिया भर में हाथी दांत व्यापार पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर हाथी दांत की तस्करी पर रोक नहीं लगाई गई तो अफ्रीका में बचे हाथियों में से आधे अगले 9 वर्षों में खत्म हो जाएंगे। नैरोबी के एक हाथी अनाथालय में एक खाने का वक्त है। इनमें से करीब आधे नन्हे हाथी यहाँ इसलिए हैं क्योंकि इनकी माओं को तस्करों ने मार दिया। इन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाएगा लेकिन वहाँ इन पर हाथी दांत तस्करों का खतरा बना रहेगा। रॉय नाम की ये हथिनी 3 साल की है। इसे मसाई मारा से बचाया गया था जब इसकी माँ को तस्करों ने मार दिया था। ये अपने माँ के शव की रक्षा करते हुए मिली थी। केन्या ने हाथी दांत के एक बड़े जखीरे को जलाकर हाथियों की रक्षा की तरफ अपनी गंभीरता जाहिर की थी। इस रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्थिति काफी खराब है। लगता नहीं कि कोई भी देश दोबारा हाथी दांत में व्यापार करना चाहेगा। इस व्यापार पर स्थायी रोक लगे। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो इस तरह अफ्रीका के जंगलों में घूमते हाथी बस यादों में ही रह जाएंगे। बीबीसी शॉर्ट्स में आज चीन में भारी बारिश से मुसीबत, सबसे बड़ा नील पुखराज और हवा में झूलते जाबाज। चीन के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन की वजह से कम 32 लोग लापता हैं। ये बारिश मेगी नाम के तूफान के बाद हुई है। इस तूफान में 4 लोग मारे गए और 600 से अधिक घायल हुए हैं। माना जा रहा है कि ये अब तक पाया गया सबसे बड़ा नीला पुखराज है। इसे अब लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में देखा जा सकेगा। 1986 में पाए गए इस रत्न को ब्राजील के एक परिवार ने संग्रहालय को उधार दिया है। रिकॉर्ड बनाने के लिए भी लोग क्या क्या नहीं करते। यहाँ 2 हॉट एयर बलून्स के बीच 125 मीटर दूर तक झूलने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश हो रही है। ऑस्ट्रिया में 1500 मीटर ऊंचाई पर यह कोशिश कामयाब भी हुई लेकिन अभी रिकॉर्ड को आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। हर साल 10 लाख बच्चे टीबी का शिकार होते हैं और इसे दुनिया का सबसे घातक संक्रामक रोग माना जाता है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक करीब 1.5 लाख बच्चों की 2014 में टीबी से मौत हुई। बच्चों को अक्सर दवा तोड़कर या काट कर दी जाती है लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि इससे दवा की सही मात्रा नहीं मिल पाती। पर अब बच्चों के टीबी के इलाज के लिए पहली बार एक विशेष दवा कीनिया में लॉन्च की गई है। 4 बच्चों की माँ हेलेन खुद टीबी की मरीज है और उनके 2 बच्चे भी टीबी से पीड़ित हैं। वो अपने बच्चों के लिए 3 दवाइयों का मिश्रण तैयार कर रही हैं। मैंने दवाई खाने में डालकर देने की कोशिश की लेकिन बच्चे लेने से इनकार करते हैं। ये पानी में भी जल्दी नहीं घुलती। दरअसल टीबी की ये दवाइयाँ व्यसकों के लिए हैं। इस नई दवाई को बच्चों को 6 महीने तक चलने वाले इलाज के दौरान पिलाना काफी आसान है। बच्चों को पसंद आए इसलिए इसे फलों का स्वाद भी दिया गया है। किन्या के बाद ये दवाई जल्द ही 20 और देशों में पहुंचाई जाएगी। पेरिस की सड़कों पर आपको कई जगह पर बिल्लियों के चित्र बने दिखेंगे और ये कमाल की ग्रेफिटी करने वाली शख्स हैं 80 साल की महिला जो स्प्रे पेंटिंग करने वाली दुनिया की सबसे उम्रदराज कलाकार हैं। लीज लॉट की इस कला की एक झलक BBC की टीम को मिली। मेरा नाम लीज लॉट है और मैं डेनिश हूँ लेकिन मैं करीब 50 सालों से फ्रांस में रह रही हूँ। मैं अपने पड़ोस की दीवारों पर बिल्लियों के चित्र बनाती हूँ। ये सुझाव मुझे मेरे पोते ने दिया। वो स्ट्रीट आर्टिस्ट के लिए एक प्रकार की गैलरी चलाता है और उसने ही मुझे ये करने का प्रोत्साहन दिया। मैं इस नवंबर में 80 साल की हो जाऊंगी। मेरे माँ बाप 1937 में जापान आ गए। उनका इरादा वहाँ बसने का नहीं था लेकिन वहाँ युद्ध शुरू हो गया और फिर युद्ध खत्म होने तक हमें जापान में ही रहना पड़ा। एक बार जब मैं ग्रफीटी बना रही थी एक बुजुर्ग आदमी मुझे रिकॉर्ड करने लग गया। मैंने सोचा कि उन्हें मेरा काम पसंद आया लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करना चाहता था। मेरा मानना है कि अगर आप चल फिर सकते हैं तो कुछ भी करने की उम्र नहीं होती। दुनिया और भारत के पड़ोसी देशों की एक्सक्लूसिव और खास खबरों के साथ हम कल इसी वक्त यानी 9:20 पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए BBC दुनिया की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।